हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आपको स्मार्ट पे के बारे में बताएंगे। वाकई कमाल का पोर्टल है और ज़बरदस्त पोर्टल है। पेन ईयर बाई को भी माफ़ करेगा ये पोर्टल। तो नाम भी स्मार्ट है, काम भी स्मार्ट है। तो चलिए दोस्तों, आपको ओपन करके दिखा देते हैं। इसके अंदर एक नया अपडेट आया है। तो क्या अपडेट आया है इसके अंदर आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं स्मार्ट पे ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर दो APS है, तो एक RBL बैंक का है, दूसरा आपको बता दें इंडसलैंड बैंक का है। तो फ्रेंड्स, दोनों में फ़र्क क्या है? RBL बैंक और यस बैंक से ट्रांजैक्शन एक्सीड, यानी पर डे एक ही ट्रांजैक्शन। तो फ्रेंड्स बता दें, बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसकी पर डे की एक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो यस बैंक और RBL बैंक से। तो जो स्मार्ट पे सर्विस है ये RBL बैंक से कनेक्टेड है, लेकिन स्मार्ट पे ने अभी इंडसलैंड बैंक से भी कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए किस प्रकार से है, और इसके अंदर दो APS आ चुके हैं। तो चलिए इसको ओपन करके दिखा देते हैं, और इसके अंदर APS पर कितना कमीशन मिलता है। तो चलिए इस सर्विसेज के ऊपर सिंपली दबा देते हैं। और जो पुराने रिटेलर हैं स्मार्ट पे के या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो अपने रिटेलरों से बता दीजिए। इसके अंदर देखो फ्रेंड्स, ये APS 1 है, ठीक है। ये किससे कनेक्टेड है? RBL बैंक से, ठीक है। RBL बैंक से कनेक्टेड है, और यस बैंक से, जैसे कि पेन ईयर बाई है, उसके अंदर भी क्या प्रॉब्लम है? उसमें भी यही प्रॉब्लम है, दिन में पर डे में एक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, यानी कि आधार कार्ड से एक ही निकाल सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा का। लेकिन आपको ये दिखा दे, सेकंड पोर्टल है, यानी कि सेकंड APS है, इसके अंदर ये इंडसलैंड बैंक से कनेक्टेड हो चुका है। तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का है, उसका 5 ट्रांजैक्शन पर डे कर सकते हो। तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप ये पोर्टल लेना चाहते हो तो आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप कर दीजिए डॉक्यूमेंट। और यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो तो डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हो। तो चलिए, जो पुराने कस्टमर हैं उसको क्या करना है, उसको सिंपली इसके ऊपर सिंपली दबा देना है। इसको एक्टिवेट करने के लिए पोर्टल जो सेकंड है, इसको एक्टिवेट करने के लिए इस पर दबा देना है। यहाँ पे सिंपली टिक कर देना है दोनों के ऊपर। टिक करने के बाद में फ्रेंड्स आपको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करोगे फ्रेंड्स, अपना बायोमेट्रिक कनेक्ट कर लेना है। बायोमेट्रिक आपके पास मंत्रा है या मोरफो है, कोई भी है, और उसके बाद में स्कैन फिंगर कर देना है। जैसे ही करते हो स्कैन, और यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में फ्रेंड्स आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, OTP फिल कर देना है, और आपका सेकंड पोर्टल है जो APS है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप इंडसलैंड बैंक से भी पैसा निकाल सकते हैं, और पैसा यदि 2700 रुपये विड्रॉ करते हो इसके ऊपर, तो आपको 8 रुपये कमीशन मिलेगा, और दिन का पर डे का 5। देखो यहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन भी आ रहा है, देखो इंडसलैंड बैंक, और यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है। पेन ईयर बाई में ऐसा नहीं है, और पेन ईयर बाई से कम कॉस्ट के अंदर मनी ट्रांसफ़र भी हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा पोर्टल है, आप एक बार पोर्टल को लेके देखिए और काफ़ी पैसा कमा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।